हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। इस वीडियो में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर हमें इंफॉर्मेशन शो होती है। ये इंफॉर्मेशन नंबर या डिजिट्स या अल्फाबेट्स की सूरत में हो सकती है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसमें हर पिन का एक नाम होता है। ये वाला जो एलईडी है इसको हम ए कहते हैं, और ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ और ये जी है, और ये इसका डेसिमल पॉइंट होता है। कुल इसमें 8 एलईडी होते हैं। ये इसका फिजिकली व्यू है। फिजिकली ये ऐसे नजर आता है, और इसकी 10 पिन्स होती है, 5 एक साइड पे और 5 दूसरी साइड पे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 2 अकसाम होती है, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। कॉमन एनोड की सूरत में एलईडी के तमाम जो ग्राउंड होती है, जो ग्राउंड पिन्स हैं, वो आपस में कॉमन होती हैं, और जो एलईडीज की पॉजिटिव हैं उनको अलग अलग पिन की सूरत में होती है, जिनके नाम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे बताया आपको, ए बी सी डी ई एफ और जी। इसको हम कॉमन कैथोड कहते हैं। कैथोड मीन्स नेगेटिव या ग्राउंड, उनका नेगेटिव सारा कॉमन होगा। इस तरह इसकी दूसरी टाइप है, वो है कॉमन एनोड। कॉमन एनोड की सूरत में एलईडी के तमाम पॉजिटिव टर्मिनल जो होते हैं वो आपस में मिले होते हैं, और वहाँ पे हमने 5 वोल्ट देने होते हैं, और बाकी सारी जो उनकी ए बी सी पिन्स हैं उनको हमने ग्राउंड करना होता है। पीछे तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इसका ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये इसी तरह ये जी है, और ये इसका डेसिमल पॉइंट है। जब हम फिजिकली 7 सेगमेंट को खरीदते हैं तो उसकी पिन्स आगे पीछे होती है, उनको हमने खुद ही चेक करना होता है। जैसे अब ये कॉमन कैथोड है और ये कॉमन एनोड है। कॉमन कैथोड की सूरत में इसका जो ए है वो इस पिन पे है, और जो उसका बी है वो इस पिन पे है। इस तरह ये सारे पिन्स फिजिकली आगे पीछे होती है। ये 10 पिन्स का होता है, 5 पिन एक साइड पे होती है और 5 पिन दूसरी साइड पे होती है, और इनको हमने खुद ही चेक करना होता है कि इसका ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है। अब देखिए इसका सी नीचे है, डी कहाँ पे है, ये सारा हमने खुद चेक करना होता है या उसकी डाटा शीट से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसी तरह कॉमन एनोड की सूरत में भी ऐसे ही होगा। ये ऑल साइजेस ऑफ 7 सेगमेंट है। इसमें मुख्तलिफ साइज होते हैं। ये सिंगल डिजिट के साइज है, ये 2 डिजिट्स है, ये 4 डिजिट्स है, ये भी 4 डिजिट्स है, ये क्लॉक के लिए है, इस तरह इसको भी हम क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है 4 डिजिट्स में, ये 6 डिजिट्स है, और ये भी डिजिट्स है लेकिन इसमें साइज छोटा है, ये इसका साइज छोटा है, और ये 3 डिजिट्स है, इसका भी साइज छोटा है। ये अब हम इसको प्रोटीएस पे चेक करते हैं। आपने पी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है 7 सेग। ये देखिए ये कॉमन एनोड है, रेड कलर का कॉमन एनोड। इसको डबल क्लिक करें तो ये हमारी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह रेड कलर में हम कॉमन कैथोड भी आ लेते हैं। ये कॉमन कैथोड है, इसको हमने प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, इसमें हर जो ए बी सी पिन्स होती हैं उनके साथ एक रजिस्टर लगती है, और ये इसका कॉमन पॉइंट होता है। ये कॉमन एनोड की सूरत में कॉमन पॉइंट 5 वोल्ट होगा। इसको हम सिंगल डिजिट को हम डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और या ट्रांजिस्टर लगा के भी हम इसकी इस पिन की स्विचिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो हमें रजिस्टर यूज करनी है वो 100 ओम से लेके 1K तक यूज कर सकते हैं।
ये हमारा कॉमन एनोड की सूरत में कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट लेने हैं और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड करना है। कॉमन कैथोड की सूरत में उल्टा हो जाएगा, इसको हमने वहाँ पे ग्राउंड करना है और ये इनका कॉमन पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगा। हम फर्ज करें हमने जो ए है इसको हमने ऑन करना है, तो मैं इसके साथ ग्राउंड इस पिन को ग्राउंड कर दूंगा। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखें कॉमन एनोड की सूरत में हमने इसको ग्राउंड किया तो वो ऑन हुआ है, और कॉमन कैथोड की सूरत में हमने उसको 5 वोल्ट किए हैं तो वो ऑन हुआ है। प्रोटियस में ये सारे तरतीब से होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन पहले मैंने आपको बताया फिजिकली ये पिन आगे पीछे होती हैं, वो हमने खुद आइडेंटिफाई करनी होती हैं। चले अब हमने इस पे 1 लिखना है, तो 1 के लिए कौन कौन सी LEDs को ऑन करना होगा। 1 लिखना है तो हमने बी को ऑन करना है और सी को ऑन करना है, तो बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो मैं इसको इसमें मिला देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखें, देखें ये 1 लिखा गया। इस तरह अगर मैं 2 लिखना है तो 2 के लिए ये वाली LEDs को ऑन करना पड़ेगा, ए बी बी ई और जी। ए बी को हमने ऑन कर लिया, इसी तरह अब हमने जी को भी ऑन करना है, तो ये जी ऑन हो गया। इसी तरह हमने डी और ई को भी करना है, ए और बी को हमने ऑन किया, उसके बाद सी को हमने छोड़ दिया, डी को ऑन करना है। सॉरी ये उल्टा हो गया, ए बी सी डी, डी हमारा ये वाला, डी को ऑन करना है, उसके बाद ई को ऑन करना है, ई को ऑन करने के बाद हमने जी को ऑन करना है और जी हमारा ये है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, अब आप देखेंगे 2 लिखा गया। इस तरह हम तमाम नंबर्स को ए बी सी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पसंद का डिजिट्स शो करवा सकते हैं। ये मैंने आपको सिंगल डिजिट की सूरत में बताया, एक से ज़्यादा डिजिट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। चलिए ये उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये मल्टीप्लेक्सिंग है, जब हमने एक से ज़्यादा डिजिट्स को यूज़ करना होता है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये देखें ये 4 डिजिट्स यूज़ किए हुए हैं, ये इनका ए बी सी पिन आ गई है। ये देखें ये इस तरह मिले होते हैं आपस में, जब आप 2 वाला लेंगे तो 2 की ए बी सी जो पिन हैं वो आपस में मिली होंगी, और 3 की सूरत में 3 की मिली होंगी और 4 की सूरत में 4 की मिली होगी। और इसके जो कॉमन पिन होती है, अब ये कॉमन कैथोड है, उसकी जो हम स्विचिंग करते हैं वो ट्रांसिस्टर के थ्रू करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में इतना करंट नहीं होता इसलिए हम उसकी कॉमन पिन पे एक ट्रांसिस्टर लगा के उसकी स्विचिंग करते हैं। ये इसका कॉमन पॉइंट है ट्रांसिस्टर के जो सब मिले हुए आपस में, इसको हमने ग्राउंड करना है, और बाकी ये 4 डिजिट्स को कंट्रोल करने के लिए 4 पिन है, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम प्रोटीएस पे प्रैक्टिकली माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको चलाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नई से नई वीडियोज़ को देख सकें। शुक्रिया।